गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5:30 का उठा हूँ मैं और अच्छी खासी रोशनी आ गई है और बारिश भी चालू हो गई है, वहाँ देख सकते हो। Shall we start? New life, new beginning. During travel ना ये देखो पैकिंग करना सबसे मुश्किल काम है। टेंट मैंने वो किया पैक किया और देखो पसीना पसीना आ गया। पैक करता हूँ फिर निकलना भी है, खाना खाने के लिए ढूंढना है, नाश्ता कहाँ से करना है। दूसरा दिन है, रामवन में रहा था मंदिर में, निकल जाना है तो देखते हैं क्या बनता है। 9:30 हो गए हैं और खादा कहाँ रुका था, हनुमान का मंदिर है, जय श्री देख सकते हो। अभी चलते हैं, अभी मार्केट जा रहा है। एक बंदे ने इनवाइट किया खाने के लिए, सच में आ जा धोखा हो जाता है। आज लेट भी हो गया वैसे मैं यार, यहाँ से जाना पड़ेगा नीचे सब ध्यान से। भैया 10 बजने वाले होंगे और भाई हमारी मदद कर रहे हैं, थैंक यू भैया। नहीं मैं पैदल चल रहा हूँ, पैदल जाओगे, लिफ्ट मिल गई तो बैठ जाऊंगा। नजारे हैं, इनवाइट कर दिया खाने के लिए। अरे पालतू है ये, अभी दूध पी रहे हैं भैया, फौज रिटायर है तो जय हिंद। देखो अभी फोटो वोटो खींची है भाई, ठीक है। चल रही दूध पिया रोटी खाई, ऐसे भरा कि अब मैं शाम को ही खाऊंगा। आ जाना श्रीनगर, और लेट बहुत हो गया हूँ, बहुत लेट हो गया, 3 घंटा लेट हूँ। नमस्ते आंटी, यात्रा के लिए निकला हूँ, बारह यात्रा के लिए। नहीं के लिए थैंक यू भाई, थैंक यू भैया सामान रखने के लिए। दिक्कत पता क्या आ रही है, इतनी धूल मिट्टी है, नीचे नहीं कर सकता, स्माइल नहीं दिखती तो लिफ्ट नहीं देता कोई। कहाँ तक जा रहे हो? टायर पंचर है, आगे तक ही जा रहा हूँ भाई। ट्रक रुक गया ट्रक। भैया कहाँ तक जा रहे हो? मैं श्रीनगर तक जा रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम साकिब है। साकिब है, और आपका भैया? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, साकिब और बिलाल भाई ने मुझे लिफ्ट दी है और मेरा फर्स्ट टाइम श्रीनगर है, और आप थैंक यू सो मच। कहाँ तक जा रहे हो? श्रीनगर से आगे 50 किलोमीटर। अच्छा श्रीनगर तक पहुँचा दोगे? हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए हम बैठे हैं। जैसे आप उनसे प्यार होगा तैसे वैसे ही देश आगे चलेगा। सोच रहा था लेट हो गया मैं, क्योंकि सुबह 7 बजे निकलना था। जो चिट्ठी लेकर भागी थी, खत लेकर भागी थी, जो मेरे को छोड़ दिया तो उसके लिए कोई गाना, अब मुझे कोई गाना ही नहीं है जो गा सकते। सुर बोलना चाहता हूँ, जो भी आजकल के लड़के हैं इनको मैं बोलता हूँ, आप सुधरो, लड़कियों को पीछे पीछे मत भागो, आओ खाओ पियो, अपने माँ बाप की खिदमत करो बस। आपका छोटा भाई? मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि किसकी शादी हो चुकी है कुछ भी बोल सकता है, जिनके नहीं है उनके अरमान पूछ लो, हम तो यही बोलेंगे। हमारी तो नहीं हुई, हम दोनों भाई भी तो नहीं हुई, तो नहीं हुई हमारी, जब होगी तो देखेंगे, फिर मसला देखा जाएगा आगे। भैया जी शादी हो गई तभी, शादी करनी चाहिए, शादी ठीक बात है, शादी में क्या है, दुल्हन एक बार रोती है तो मर्द रोज रोज उम्र भर के लिए रोता है। थोड़ी देर से घुटने से अच्छा एक ही बार ही रो लो। यहाँ से अभी एक टनल आएगी फिर सीधा श्रीनगर, ज्यादा नहीं सोचने का करते निकल जाओ, बस मुसाफिर की तरह मिल ही जाएगा कोई ना कोई। बोलते हैं कि कश्मीर में मजा नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ सेफ्टी नहीं है, आए कश्मीर वेलकम है। कश्मीर में एंटर हो गया, अभी टी ब्रेक ली थी, भाई लोग ट्रक साफ कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, वापस जाना फिर से अब स्टार्ट होने वाली जर्नी। चलो मैं चढ़ता हूँ ऊपर, भाई पूरा किचन बना दिया खोल के ट्रक को, अभी सिलेंडर जोड़ रहे हैं, सब्जी रखेंगे। तो ठीक उसके लिए कर तो जोर का गुलाब, ये तो गलत है यार, ये तो गलत है गुलाब, मैं तो चेहरे का गुलाब।
किसी मुल्क के साथ अच्छा जहाज उठते हैं। 4 किलोमीटर रनवे नया बना है। सीने है ये दुनिया फूल सारे चमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। पहुंच गया मैं लिफ्ट लेकर श्रीनगर। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ही है। आगे तक जाना है, कल तक सिटी के अंदर एंटर होने वाला है। कल सिटी बंद भी हो सकती है मोरा में। बाकी अभी लिफ्ट नहीं है, देख देता है कोई है नहीं, तो अभी थोड़ा सा नर्वस हूँ। यहाँ कश्मीर आ रही है बट क्या पता रुके या नहीं रुके। थैंक यू भैया, आपका नाम? वही तो कितना किस बात के लिए दिखाया जा रहा है न्यूज चैनल वगैरह में, कश्मीर में ऐसा जो उनके नवासे बोलते हैं ना, नवासों को गलत मतलब धोखे से शहीद किया गया था इस दिन पे। अच्छा अच्छा, चंद मुहर्रम के दिन। अच्छा, तो उन्हीं के गम में ये दिन मनाया। अच्छा, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। काटी दरवाजा गुरुद्वारे की तरफ। कह रहा अब मुझसे भाई बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। अपने माना कि यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही। श्रीनगर लिफ्ट लेकर बहुत मुश्किल था, और जब मैं श्रीनगर आया घबराहट तो होती है काइंड ऑफ। तो श्रीनगर की बात नहीं है, कहीं भी जाता तो ऐसा ही होता। लोगों ने बना कर रखा है, पहले दिन में मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। मैंने सिटी के अंदर लिफ्ट लिया श्रीनगर में, किसी भी गुरुद्वारे में फ्री में नहीं रहने देते। रजिस्ट्रेशन ऑफिस वालों ने बोला मुझे, मुझे टेंट लगाना है, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं उसकी, और ओपन में टेंट लगाना बहुत मना है। 200 रुपया लगेगा एक दिन का, आने का भी हो गया। 100-100 की थाली खाते और कहीं रहते तो ज्यादा ही जाता। फर्स्ट टाइम में मेरा ऑप्शन नहीं, परे के दर्शन किए और फिर निकल पड़ा। तो अभी खाना हो गया, आज गुरुद्वारे में रुका हूँ, प्रसादा लिया, खाना खाया, आज गुरुद्वारे फर्स्ट टाइम गया था, मन शांत हो गया थोड़ा।